ये मेरा टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक विथ नथनी नो स्पिन मतलब कि और चांद वाली बिंदी एंड बन एंड जरी की साड़ी। मेकअप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ, प्राइमर स्किन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आई मेकअप से स्टार्ट करूँ ताकि जो भी फॉलो अप हो फेस का मेकअप ना बिगड़े उससे। तो बेस के लिए मैंने कंसीलर लगा लिया, इससे क्रीज नहीं होगा आई मेकअप और ऑयल वगैरह सब हट जाता है। एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो भी कलर्स होंगे प्रोडक्ट्स होंगे वो अच्छे से अप्लाई करो। फर्स्ट इसको क्रीज और क्रीज के ऊपर एरिया में ऊपर ऊपर तक जितना हो चुके अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये ट्रांजिशन की तरह वर्क करेगा। एक्चुअली मैम ज़्यादा हो गया, ये कम कलर से स्टार्ट करते हैं बट मुझे लगा चीप प्रोडक्ट है तो इसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं होगी, तो ज़्यादा लूँगी तब जाके थोड़ा सा लगेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। मतलब कि ये पैलेट बहुत अच्छा है चीप रेट में। देन नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर, उसको सिर्फ क्रीज पे लगा रही हूँ और क्रीज के थोड़े से ऊपर तक ब्लेंड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऊपर तक नहीं करना है, पिंक ही रहेगा सबसे ऊपर तक। ये डेप्थ देने में मदद करेगा एंड ये ब्राउन है बट पिंक के साथ मिलकर मरून बन जा रहा है जो कि बहुत अच्छी शेडिंग का काम कर रहा है। नेक्स्टली उसके बाद मैंने और भी ज़्यादा डार्क कलर ले लिया है, ब्राउन का ही शेड ले लिया है और छोटा वाला ब्रश कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बहुत ऊपर तक ब्लेंड हो, बस क्रीज में ही ब्लेंड होना करना चाहती हूँ मैं इसको ताकि और भी ज़्यादा डेप्थ दे। अब लगा रही हूँ कंसीलर, यहाँ पे मैं श्रिम लगाऊंगी। तो एक्चुअली कंसीलर की जरूरत नहीं थी बट मैंने लगा लिया है ताकि मुझे पता रहे मुझे कितने एरिया में अप्लाई करना है एंड वो जो शिमर है वो मेरे कलर्स तक मिक्स ना हो, तो इसीलिए। देन अब मैं ये लिक्विड आई शेडो लगा रही हूँ शिमर वाला रोज गोल्ड कलर में। एंड अब जो बहुत हार्श लाइन दिख रही है उसको वो अच्छी नहीं लगती, उसको ब्लेंड करने के लिए मैं जो डार्क वाला कलर शेडो यूज़ किया था मैंने उसी वाले ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ऐसे स्टैंडिंग लाइन में और क्रीज के शेप में ताकि ये लास्ट में से आउटर कॉर्नर में वी का शेप आ जाएगा और इस तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा। अब जो शेड्स आ रहे हैं ना ये होते हैं असली शेड्स, ये आने चाहिए, आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो बट ये ओम्ब्रे वाला लुक आ जाना चाहिए आपके आई मेकअप में। देन लोअर आई में भी सेम करेंगे, पिंक लगा रही हूँ मैं पूरी वाटर लाइन में एंड देन उसके बाद ब्राउन कलर ले रही हूँ। इसको सिर्फ हाई, इसको बस हाफ तक ही लगाऊंगी, इनर कॉर्नर तक पूरा नहीं ले जाऊंगी। दोनों आई में सेम किया एंड देन काजल लगाया क्योंकि ऑफकोर्स इंडियन मेकअप है तो। एंड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, आईलाइनर मैं जेल लगा रही हूँ लिक्विड नहीं क्योंकि नजर नहीं चाहती बहुत हैवी हो जाए, मैं नेचुरल लुक देसी लुक देना चाहती हूँ इसलिए। अब फेस को अच्छा दिखाने के लिए मेंटेन दिखाने के लिए आईब्रो को फिल इन कर रही हूँ क्योंकि फिल इन ब्रोज बहुत अच्छी लगती है और शेप भी, तो सबसे पहले फिल कर दिया उसके बाद पेंसिल से उसको डार्क कर दिया, जो उसकी आउटलाइन थी वो कर दी और डार्क कर दिया पीछे के साइड। अब कंसीलर लगा के जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे उनको छुपाने के लिए और शेप में लाने के लिए अपने आईब्रो को पतले ब्रश से पूरे बाउंड्रीज में कंसीलर लगा दे रही हूँ जैसा शेप में चाहती हूँ। अक्सर छोड़ देते हैं आईब्रो को, आई मेकअप पे ही ध्यान देते हैं बट नहीं, आईब्रो भी बहुत बड़ा काम करती है हमारे फेस को ब्यूटीफुल दिखाने में। देन ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से एंड मस्कारा, मस्कारा इज मस्ट, आईलैशेस बड़ी बड़ी कितनी प्यारी लगती है, तो कुछ इस तरीके से मस्कारा लगा रही हूँ मैं। अब स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप को, जो भी फॉलो अप हुआ उसको डस्ट ऑफ कर दो और फिर फाउंडेशन लगा के फुल फेस पे डॉटेड मोशन में लगा के और ब्यूटी स्पंज की मदद से ब्लेंड कर दे रही हूँ उसको। अब लगा रही हूँ कंसीलर हायर प्लेन्स पे और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और फिर कॉम्पैक्सेस को सेट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा आई मेकअप में इनर कॉर्नर्स में शिमर रहने की लाइटर शेड छूट गया था तो वो कर दे रही हूँ, इससे और भी ज़्यादा अच्छी शेडिंग आ जाती है आईज़ में। देन कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने लोअर प्लेन्स में, मतलब कि जहाँ पे शेडो पड़ती है डायमेंशन देने के लिए, जैसे कि हॉल्स ऑफ द चेक, जॉ बोन, जॉ लाइन एंड फोर हेड एंड नोज एंड सच थिंग्स। यहाँ पे कॉन्ट्रोलिंग की जाती है शेडोज में और कंसीलिंग की जाती है हायर प्लेन्स पे, जैसे कि चिक बोन्स, ट्राइंगल शेप में, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन पे एंड सो, जो कि मैं कर चुकी हूँ। अब कर रही हूँ मैं ब्लश, ब्लश में लगा रही हूँ स्माइल करके एप्पल्स ऑफ द चिक पे एंड उसको पीछे की तरफ ले जा रही हूँ चिक बोन की तरफ, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। देन अब लगा रही हूँ शिमर अगेन हाई प्लेन्स पे, ये फेस को फ्रेश एंड शिमरी एंड ग्लिटरी दिखाता है, नोज पे, चिन पे, चिक बोन पे, फोरहेड पे एंड देन पिंक लिपस्टिक के लिए ऑप्ट कर रही हूँ। तो आप बताओ कैसा लगा आपको ये मेरा महाराष्ट्रियन टिपिकल लुक, कमेंट करके जरूर बताना और बताओ और आपने गणेश जी बिठाए हैं या नहीं बिठाए हैं। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।